morning, children. Good morning. Good morning. आप कल में क्या प्रीवियस क्लास में क्या किए थे आपको याद है ना? कल हम ऋतुओं के बारे में किए थे. ऋतुओं में गर्मी, गर्मी के दिन और विंटर सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटमन सीजन, है ना? ये पांच हम सीखे थे. वो पांच में हम दो कौन कौन सी गर्मी के समर डेज और कौन सी थे. समर डेज होने के बाद ही हम कौन सी सीजन विंटर सीजन सीखे. विंटर सीजन वर्षा विंटर सीजन में हम बहुत ठंड लगता है. ठंड के दिनों हम क्या करते हैं आज हम सीखेंगे. कल हम गर्मी और वर्षा रेनी सीजन समर डेज रेनी सीजन का दो ऋतुओं के बारे में हम सीखेंगे. आज कौन कौन से विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन और पतझड़ सीजन ये चार हम सीखेंगे. ये चार में कौन कौन से हम तीन सीखेंगे. तीन में हम कैसे रहते हैं, कैसे रहना है, हमें कैसे कपड़े पहनना है, कैसे खाना खाते हैं, ये सब आज सीखेंगे. कल के थोड़ा याद करेंगे कि पोयम. चलो देखो 33 पेज नंबर. गर्मी आती धरती तक जाती कड़ी धूप हमें तड़पाती राख हो दौड़ा बर्फ में आता ठंडा शरबत हमें पिलाता वर्षा आती बादल आता जम 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 पानी भरसाता गली गली में पानी भर जाता लोग निकलते लेके जाता लोग निकलते लेकर जाता है ना सब. और धूप लगता है सभी जगह बहुत धूप लगता है समर सीजन में. तब हम ठंडा आइस डालकर ठंडा जूस कोल्ड जूस हम पीते हैं. कब समर सीजन ऐसे ही रेनी सीजन में हम कभी भी जब जब बादल क्लाउड बहुत ब्लैक रहता है तब बारिश आता है बहुत सारी बारिश पड़ते रहता है पानी बरसते रहता है तब हम अम्ब्रेला लेकर आपसे जाते हैं. अब देखेंगे आज देखो 33 पेज नंबर थर्ड पैराग्राफ. वर्षा आती सर्दी जाता वर्षा जाती सर्दी आता सर्दी हमें बहुत ही भाती गुड्डु गन्ना खाने को लाती गुड्डु गन्ना खाने को लाती दादी हमको कथा सुनाती दादी हमको कथा सुनाती. सर्दी जाती पतझड़ आता सर्दी जाती पतझड़ आता
वर्षा जाती सर्दी आती, सर्दी हमें बहुत ही भाती, सर्दी हमें बहुत ही भाती। मेरे साथ ही दोहराइए, वर्षा जाती सर्दी आती, सर्दी हमें बहुत ही भाती, गुड करना काहे को लाती, गुड करना काहे को लाती, दादी हमको कथा सुनाती, दादी हमको कथा सुनाती। सर्दी जाती पतझड़ आता, सर्दी जाती पतझड़ आता, पेड़ों को दुख दे छाता, पेड़ों को दुख दे छाता, जंगल की सुंदरता सारी पतझड़ से जाती है मारी, पतझड़ से जाती है मारी। जाता पतझड़ बसंत आ जाता, जाता बसंत आ जाता, वन उपवन तब समान जाता, वन उपवन तब समान जाता। धरती बन जाती है दुल्हन, धरती बन जाती है दुल्हन, कोना कोना है सज जाता, कोना कोना है सज जाता। चलो चलो आपको पढ़ने का थोड़ा आया है, समझती हूँ मैं, थोड़ा सा आप भी पोएम गाते समय थोड़ा राग बदवा के वचन बदवा के करो, तभी आपको अच्छा लगता है ये सब पोएम। देखो अभी, हाँ वर्षा जाती, अब कहाँ गया वर्षा, आया है बादशाह के है बारिश, और निकल भी जाता है क्योंकि हम छाता लेकर बाहर, वर्षा छाता। अब वर्षा बारिश के बिना रेनलेस निकलता है, रेनलेस का समय समाप्त, तब सर्दी वेट सीजन आ जाता सर बारिश। अब हमें अगस्त सितंबर को बहुत बारिश होता है, अक्टूबर को भी होता है थोड़ा, नवंबर दिसंबर को बहुत जाड़ा, जाड़ा मीन्स विंटर सीजन, विंटर सीजन आ जाता है। विंटर सीजन आने से क्या लगता है हमें, सर्दी हमको बहुत ही भारी, बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत भारी दिखता, अच्छा भी दिखता है परंतु भारी भी दिखता है, क्योंकि तब स्वेटर पहनना है, टोपी पहनना है, मंकी टोपी सभी रहता है, सब भी पहनते थे, छोटे छोटे बच्चे भी सर्दी का वहाँ हैट पूरा डालते हैं, टोपी डालते हैं, और दादी माँ बड़े बूढ़ों भर नहीं के सॉक्स डालते हैं, लोग का हैंड ग्लोव डालते हैं, सभी बहुत ठंड रहता है। तब गुड्डू करना, गुड्डू करना जेकरी और गुड्डू करना शुगर के खाने को लाते, खाने को सभी लाते हैं, घर में बैठ कर खाएंगे, छिछे मीठा छिछे बराबर खाएंगे, कौन लगती है ये दादी लाकर क्या करती है हमको, दादी हमको कथा सुनाते, स्टोरी स्टोरी सुनाते हैं हमको दादी, क्योंकि एक कोने में बैठते हैं हम सब, मैं बच्चों को साथ लेकर दादी माँ बहुत ठंडा है, बाहर मत जाओ, आउटसाइड मत जाओ, आओ आपको एक कथा सुनाती हूँ गाने के लिए, पुराना बुढ़ा बन्ना सभी देती हूँ, आओ बैठो मेरे साथ, वो बोलते हैं ना आप दादी, ऐसा सर्दी के दिन है। सर्दी जाने के बाद, सर्दी जाने के बाद सर्दी जाने पतझड़ आता, सावन सर्दी के दिन, सावन सावन के दिन जाने के समय में पतझड़, पतझड़ तब क्या करते पूर्ण रूप से पत्ते निकल जाते हैं, वो टाइम ही अब दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी को पतझड़ होता, वो पतझड़ ऋतु है ना, तब पेड़ों के पत्ते लीफ सभी निकल जाते हैं, पूर्ण रूप से निकलते हैं, ऐसा देखो पतझड़ आ जाता है, तब वो पेड़ों को दुख दे जाता है, पेड़ों को ट्री सभी पूर्ण रूप से कोई भी एक पत्ता नहीं देता, पूर्ण रूप से निकल जाते हैं, तब पेड़ों को बहुत दुख होता क्योंकि सारा शैडो हो जाता, क्योंकि मेरे पेड़ पर कुछ पत्ते हैं शैडो ने क्या करो, हाँ वो बहुत ही मन ही मन दुखी हो जाता है, पूर्ण रूप से देखो अपना पत्ता पूर्ण रूप से निकल जाना है, जंगल की सुंदरता को
हरे भरे बिल्कुल ग्रीनी लीफ होते हैं, जैसे भी कुछ नहीं था वो सारी ब्यूटी को क्या होता खत्म कर जाते थे। धपते जैसे जाती मारी डेड हो गए थे, कोई भी एक पत्ता नहीं रहता, मतलब पूर्ण रूप से हेलोलिक्शेड होकर पूर्ण रूप से नीचे गिर जाता है, तभी जंगल अच्छा नहीं दिखता, पूर्ण रूप से बुरे बुरे जैसे दिखता है, वो जंगल की ब्यूटी को खत्म कर जाते हैं। तब देखो जाना पतझड़ वसंत आ जाता, पता है वसंत वसंत स्प्रिंगिंग ऋतु क्या हुआ ये पतझड़। देखो फरवरी को पतझड़ सावन पतझड़ ऋतु खत्म होता, मार्च अप्रैल को वसंत ऋतु आ जाता, वसंत स्प्रिंगिंग तब पूर्ण रूप से फुल सुंदर से दुब जाता है, पेड़ को छोटे छोटे लीफ आते रहते हैं, वन ऑफ वन गार्डन में सब सब गार्डन सभी क्या होता संवारा जाता है, इट्स अ डेकोरेटेड हो जाता है कौन और सावन सावन के सावन खा जाता है, सावन में संवारे जाता है, संवारे जाता है डेकोरेशन हो जाता है कौन कि किससे पत्ते से छोटे छोटे लीफ से फूलों से फलों से फूल सिर्फ बहुत सुंदर तभी भी दिखता है, धरती बन जाती है रिवर ब्रेड बन जाती है कौन जंगल धरती माँ अर्थ सभी ब्राइट जैसे दिखते हैं, दुल्हन देते वो हरी भरी वो पत्ते पेड़ों से बन छकर धरती बहुत ही सुंदर लगते दिखते हैं, कोने कोने है सज जाता है कोने हर ईच एंड एवरी कॉर्नर का बहुत ही सुंदर से डेकोरेटेड हो जाता है, किससे प्रकृति प्रकृति से ये संवार जाता है। आपको ये आपको याद हो समझ में आया समझ कर मैं समझती हूँ ना, और एक बार वर्षा जाती सर्दी आता बारिश के बिना जाता है सर्दी आती है, सर्दी में स्वेटर के साथ है सर्दी हमें बहुत ही भाती भाती मीन्स अच्छा भी लगता है और बुरी भी लगता है, क्योंकि अच्छा क्यों लगता है सभी एक जगह बैठे रहते हैं तब होना अच्छा भारी भी अच्छा लगता है, गुड करना खाने को लाते गज्जे गज्जे गुड मीन्स जगह जगरी करते हैं जगरी कृष्ण जगरी और सुबह खाने को लाते सिर्फ बैठ कर एक कोने में बैठ कर खाना जैसा कौन आती है धर ग्रैंडमा हमको लाती और सुनाती स्टोरीज बहुत सारे स्टोरीज सुनाती है। देखो कन्नड़ में वर्षा मरे वाला बोल चेली वाला बोलते चेली वाला तुम बहुत चना बोल सकते अगर उनमें से बेचन वाले चना क्या कर सकते हैं ना उनके बड़े मुँह तो और बोलते हैं बेचन बोल के हमारे बेला ಕೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್ದಿ ಜಾತಿ ಪಂಚಾಗ ಕಳೆದ ಇದರಿಂದ ಮರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ
ಹಣ್ಣು ಬಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟಾಣಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಕೋ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ಸಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ರಾಜ ಕವಿತಾ ಅವರ ಎಕ್ ಬಾರ್ ಸುನಾತಿ ಹೂ ಸುನಾಕರ್ ಆಫಿ ಏ ಕಂಠಸ್ಥ ಕೀಜಿಯೇ ಕಂಠಸ್ಥ ಕೀಜಿಯೇ ಎಕ್ ಬಾರ್ ಮುಝೆ ಸುನಾಯಿಯೇ ದೇಖೋ ಪಹಲೆ ಸೆ ಗರ್ಮಿ ಆತಿ ಧರ್ತಿ ತಪ್ ಜಾತಿ ಕೆಡಿ ಧೂಪ ಹಮ ತಡಪಾತಿ ರಾಘವ ಗೌಡವ ಕರ್ಪಿಳೆ ಆತ ಠಂಡಾ ಶರ್ಬತ್ ಹಮೇ ಪಿಲಾತ ಠಂಡಾ ಶರ್ಬತ್ ಹಮೇ ಪಿಲಾತ ವರ್ಷಾ ಆತಿ ಬಾದಲ್ ಆ ಜಮ್ 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 ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾತ ಗಲಿ ಗಲಿ ಮೇ ಪಾನಿ ಭರ ಜಾತ ಲೋಗ ನಿಕಲ್ತೆ ಮೇ ಖರ್ಚಾತ ಲೋಗ ನಿಕಲ್ತೆ ಮೇ ಖರ್ಚಾತ ವರ್ಷಾ ಜಾತಿ ಸರ್ದಿ ಆತಿ ಸರ್ದಿ ಹಮೇ ಬಹುತಿ ಪಾತಿ ಗುಟ್ಟು ಗನ್ನ ಖಾನೆ ಕೋಲಾತಿ ದಾದಿ ಹಮಕೋ ಕಥಾ ಸುನಾತಿ ದಾದಿ ಹಮಕೋ ಕಥಾ ಸುನಾ ಸರ್ದಿ ಜಾತಿ ಪತಜಡ ಆತ ಪೇಡೋ ಪಗುರುದೇ ಜಾತ ಜಂಗಲ್ ಕಿ ಸುಂದರತಾ ಸಾರಿ ಪತಜಡ ಸೆ ಜಾತಿ ಹೇ ಮಾರ್ ಪತಜಡ ಸೆ ಜಾತಿ ಹೇ ಮಾರ್ ಜಾತ ಪತಜಡ ಉಪಸಂಗ ಆ ಜಾತ ಮನ ಒಪ್ಪನ ತಬ ಸಮಾರ ಜಾತ ಧರ್ತಿ ಬನ್ ಜಾತಿ ಹೇ ದುಲ್ಹನ್ ಕೋನಾ ಕೋನಾ ಹೈ ಸಜ್ಜಾತ ಕೋನಾ ಕೋನಾ ಹೈ ಸಜ್ಜಾತ ಚಲ ಚಂದ್ರಸ್ ಆಜ್ಕೋ ಏ ಕವಿತಾ ಸಮಾಪ್ತ ಹುವಾ ಆಪ್ ಕಂಠಸ್ಥ ಕೀಜಿಯೇ ಕಲ್ ಆಪ್ಕೋ ನೋಟ್ಸ್ ಲೇಕರ್ ಆಉಂಗಿ ಆಜ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಇತ್ನಾ ಹೀ ಬಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.